हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। चलिए, तो मैं दिखाना चाहूँगी, आज मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं छोटा ही वीडियो आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ हैं। देखिए, तो ये है स्ट्रॉबेरी, आप लोग देख सकते हो, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। अगर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये देखिए, मई का आज 3 तारीख है, मतलब आज 3 मई है, और 3 मई को भी देखिए इतनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हुई है ना, देख सकते हो। ये थोड़े कच्चे हैं, अभी पके हुए नहीं हैं, और ये पक गए हैं, ये तो ज़्यादा ही पक गए हैं, तो इन सबको आज मैं तोड़ूँगी। तो इसीलिए मैं सोची कि चलिए इसका भी वीडियो मैं एक छोटा सा बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मई के महीना में होना एक चमत्कार जैसा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, हो सकता है, क्योंकि अगर सही से इसकी देखभाल हो, सही से केयर किया जाए तो ये हो सकता है। क्योंकि मेरा पिछले बार, मैं पहली बार लगाई थी पिछले साल, तो पिछले साल पहली बार लगाई थी तो इतना अच्छा मतलब नहीं रिजल्ट मिला था मुझे, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम था तब तो अच्छा फ्रूटिंग हुआ और अप्रैल तक अच्छा हुआ, लेकिन अप्रैल के लास्ट लास्ट तक ख़त्म हो गया पौधा, मतलब उसमें फ्रूटिंग आना बंद हो गया बिल्कुल, फ्लावरिंग भी बंद। और अभी देखिए, ये मई के महीने में भी ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जारी है। तो चलिए मैं बताऊंगी कि इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, किस तरह केयर करती हूँ मैं कि ये इस तरह से अभी तक फ्रूटिंग हो रही है, इसमें फल आ रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग है, देख सकते हो, और फ्रूटिंग देख सकते हो, फ्रूटिंग भी इसका है ना। और ये देखिए, दूसरे गमले में भी मैं दिखा सकती हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो ये थोड़े छोटे छोटे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हो रहे हैं। जब सर्दियों की मौसम थी तब तो ये बड़े बड़े हो रहे थे, लेकिन अभी ये छोटे छोटे फ्रूट हो रहे हैं। देखिए, इधर भी मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए ये देखिए, मतलब कम हो रहे हैं लेकिन अभी भी हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। चलिए, तो ये देखिए, इसका रीज़न ये है, इसका मेन रीज़न यही है। और मैं एक और दिखाऊंगी आप लोग को इसका रीज़न। तो ये देखिए, ये भी है इसका रीज़न। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, और इसमें देखिए कि मैं क्या रखी हूँ, पानी है, वाटर, और एग कवर है, यानी अंडे के छिलके हैं, और ये पानी है। तो इस डब्बे के अंदर अंडे के छिलके और पानी मैं भर के रखी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कच्चे अंडे के छिलके हैं, जो अंडा को हम ऑमलेट बनाते हैं फोड़ के, तो उसी का छिलका है, ये पका हुआ नहीं है, बिल्कुल कच्चा है। तो उसको मैं क्या करती हूँ कि पानी में डाल देती हूँ, और 2 से 3 दिन तक इसी तरह ये पानी में भिगो के रख देती हूँ, और इसी तरह ये फूलते रहते हैं। और 2-3 दिन के बाद इसका मतलब छिलका हटा के इसका जो पानी है, इसी को मैं सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे में थोड़े थोड़े देती हूँ। और ये देखिए, मेन रीज़न ये है। तो ये है कि ये जिस भी पौधे में जाता है ना, उसको एकदम से हेल्दी कर देता है, बहुत मतलब काम का चीज़ है। ये जो है, इसको मैं क्या करती हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, ये क्या है, ये केला का छिलका है, बनाना, तो समझ सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो ये इसको मैं क्या की ना, कि इसको टुकड़े टुकड़ा करके अभी अभी डाली हूँ, लेकिन इसको अभी 3 दिन तक इसी में रखूँगी, क्योंकि हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, केला के छिलका जो होता है ना, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पानी में डाल देती हूँ, और पानी में डालने के बाद इसी तरह से 3 दिन तक इसको छोड़ देती हूँ। और 3 दिन के बाद इसका भी छिलका हटा के और इसका जो पानी है उसको सभी पौधों में डाल देती हूँ, तो इस तरह का रिजल्ट आएगा आपको, ये पानी अगर आप लोग डालिएगा तो। और एक कारण है इसका,
एक और कारण बताना चाहूँगी, क्योंकि इसको मतलब जैसे ही मैं अप्रैल का महीना जब आया, आधा अप्रैल निकल गया, तो मैं इसको साइड एरिया में रख दी एकदम से, जहाँ दिन भर छांव रहता है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आता है, मतलब दोपहर के बाद धूप नहीं आता है। सुबह में 2 घंटा इसे धूप मिलता है, सिर्फ 2 घंटा, और बाकी पूरा दिन छांव में रहता है ये। तो पूरा दिन छांव में रहता है, सिर्फ 2 घंटा धूप लगता है, क्योंकि धूप भी थोड़ा सा ज़रूरी है, तो इसलिए 2 ही घंटा ये धूप में रहता है, बाकी टाइम ये छांव में रहता है। तो ये भी एक कारण है इसका, मतलब स्वस्थ रहने का, अभी तक जिंदा रहने का, और अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ये जो हो रहा है उसका। तो चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी तक। और ये जो है ना, ये जो फर्टिलाइजर है, तो इसे मैं पोर्चुलेखा में भी डालती हूँ, पोर्चुलेखा में भी ये बहुत काम करता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सभी पौधों में काम करता है, मैं तो सभी में डालती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे पोर्चुलेखा और स्ट्रॉबेरी में डालती हूँ मैं इसको, उससे जब बचता है तब दूसरा पौधा में डालती हूँ। तो मेरा पोर्चुलेखा भी बहुत खूबसूरत अभी लग रहा है, उसका तो सीजन ही है अभी, अभी बहुत अच्छा उसमें फ्लावरिंग हो रही है पोर्चुलेखा में। मेरे पास 4 कलर का है पोर्चुलेखा, और मैं कहती हूँ कि पोर्चुलेखा तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वो मतलब अच्छा खासा उसमें फ्लावरिंग होती है गर्मियों के मौसम में, जब कोई फूल खिले ना खिले, लेकिन वो तो खिल ही जाता है, और उसको छांव की जरूरत नहीं होती है, एकदम से धूप में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहूँगी, तो यहीं पे वीडियो का लास्ट है। तो आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।